नमस्कार, वेलकम दोस्तों। आज के इस मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे 2014 की मास्टरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मार्च 2014 की वह बादल छाई हुई सुबह थी जब मलेशिया के एयरलाइंस की उड़ान MH370 ने कुशालामपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। किसी को भी नहीं पता था कि यह नियमित उड़ान जल्द ही विमान के इतिहास के सबसे पोचिंदा रहस्य में से एक बन जाएगी। उड़ान भरने के लगभग एक घंटे बाद 239 लोगों को ले जा रहे बोइंग 777-200ER बिना किसी संकेत या संकट के चेतावनी के अचानक रडार स्क्रीन से गायब हो गई। हजारों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए दक्षिणी हिंद महासागर के विशाल विस्तार में एक बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया था। जैसे जैसे दिन और सप्ताह में और सप्ताह दिनों में बदलते गए, जांचकर्ताओं को गायब हुए लोगों का पता लगाने के संघर्ष करना पड़ा। तकनीकी विफलताओं से लेकर आतंकवाद या अपहरण के जानबूझकर किए गए कृत्यों तक कई सिद्धांत सामने आए। लापता यात्रियों को और चालक दल के परिवार अपने प्रियजनों के भाग्य के बारे में जवाब पाने के लिए बेताब है। खोज प्रयास विमान इतिहास में सबसे व्यापक और महंगे प्रयास में से एक था। इसमें कई देश शामिल थे और परिष्कृत तकनीक का उपयोग किया गया था। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विमान के अवशेष और ब्लैक बॉक्स का पता चल नहीं पाया। उड़ान MH370 को लेकर अनिश्चितता के कारण व्यापक अटकलें और कई साझा सिद्धांत सामने आए। कुछ का मानना था विमान किसी सुदूर द्वीप पर उतरा था या किसी अज्ञात स्थान पर छिपा था, जबकि अन्य को सरकारी छिपाव या अलौकिक संलिप्तता का संदेह है। जैसे जैसे साल बीतते गए, खोज के प्रयास धीरे धीरे धीमे हो गए, लेकिन रहस्यमय उड़ान समुदाय और जनता को परेशान करती रही। पीड़िता के परिवार ने जवाब के लिए रैली निकाली और मामले को बंद करने की जवाबदेही तय करने की मांगी। ठोस सबूतों के अभाव में जांचकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय टीम के अंतत निष्कर्ष निकाला। हाइड्रोपिक्सिया के कारण संचार और नियंत्रण का नुकसान सबसे संभावित परिदृश्य था। सिद्धांत यह मानता है कि तेजी से विघटन या जहाज पर आग लगने से चालक दल और यात्री अक्षम हो सकते हैं, जिसमें विमान और ऑपरेटर पर उड़ान भरने की अनुमति मिलती है जब तक कि उसका ईंधन खत्म नहीं हो जाता और वह दक्षिण हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाता। घटना के 9 साल बाद 2023 में अंतिम खोज मिशन को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया, जिसमें मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 का रहस्य अनसुलझा रह गया और यह इतिहास में सबसे परेशान करने वाला विमान रहस्य में से एक है। समय के साथ उड़ान MH370 का गायब होना आधुनिक विमान की जटिलताएं और मानवता त्रासदी की अप्रत्याशित प्रकृति का एक मर्मिक अनुस्मारण है। लापता मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान की कहानी हमेशा सामूहिक स्मृति में अंकित रहेगी, शायद इन उत्तरे की खोज की याद दिलाती रहेगी जो शायद कभी नहीं मिलेंगे। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये ईमान वाकई कोई मास्टरी है या कोई और है, या कोई अपहरण के लिए गुंडों ने इस एयरप्लेन को हाईजैक किया है? तो आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।